सिमडेगा जिले के पाकार टाण प्रखंड के धीर काटा और जाम टोली के ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रदेश सदस्य सह इंटक प्रदेश सचिव दिलीप तिर्की को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परेशानी से अवगत कराया, जिसमें इंटक प्रखंड अध्यक्ष पुनीत डुंगडुंग भी शामिल रहे। उपस्थित लोगों ने कहा कि धीर काटा एक ऐसा जगह बन गया है, लगभग 100 परिवारों का यह गांव हर सुविधाओं से दूर है, क्योंकि यहां तक आने के लिए नदी को पार करके आना पड़ता है। क्योंकि यहां पुल नहीं होने के कारण साल में 4 बार बांस और बालू के बोरी से चलने के लायक पुल बनाते हैं। बरसात में 3 से 4 महीने स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो नदी में डूब कर पार होते। इस क्रम में कितनी बार बच्चे पानी में बह गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, क्या समस्या मिली? जो समस्या आज जो थी वो बहुत विकराल समस्या थी। आप किसी जेल में अगर कभी रहे हैं तो आपको उसका अनुभव इस धीरकाटा क्षेत्र में मिल जाएगा, क्योंकि नदी के इस तरफ जो है कि पूरा शहर रहता है, पूरा जिला रहता है, लेकिन नदी के उस तरफ का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र एक तरह से उन लोगों के लिए एक ये जेल की तरह है, क्योंकि वो एक ऐसा नदी है जहां पर कोई पुल की सुविधा नहीं है। लोग साल में 4 बार ये करके मतलब वो रिपेयर करके जो है कि बांस और बालू के बोरे से की मदद से जो है कि वहाँ चलने लायक बनाते हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है 3-4 महीने वहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं वो उधर के उधर ही रह जाते हैं, ना उनमें कोई पढ़ाई वो कर पाते हैं ना कुछ नहीं, क्योंकि उस समय जल का जो बहाव होता है वो काफ़ी जोर का होता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि कई एक बार जो है कि बच्चे बह के चले गए हैं, कई एक बार बूढ़े बह के चले गए हैं। प्रसव के समय में महिलाएं या फिर कोई गंभीर बीमारी के समय में लोग क्या होते हैं कि वहाँ कई एक बार ऐसी जगहों में उनकी जान चली गई है। खाट पर प्रसव के समय लोग नदी के इस पार जो है कि उनको लेकर के आते हैं। अब जो है कि ऐसी स्थिति में जो है कि हमारा जो जिला है वो आकांक्षी जिला के ये में आता है और 4th नंबर की श्रेणी में आता है। तो ये किस तरह का जो है कि श्रेणी है ये 4th नंबर, तो इसमें जो है कि पूरी तरह से जो है कि हमारा जो जिला है ऐसी परिस्थितियों से गुजरा, तो इसे हम आकांक्षी जिला के रूप में हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लोग इतनी बुरी स्थिति में अपने जीवन की तलाश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, और वहाँ 100 घर हैं, 100 घर में लोग काफ़ी होते हैं, वो कम नहीं होता। और सिर्फ आंकड़ों में ये दिखाना कि जिला हमारा इतना विकास कर रहा है, उतना विकास कर रहा है, ये सही नहीं है। तो हमारा जो प्रयास है, आज हम यहाँ पर आए, घूमे, देखे कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, तो आज हमारी प्राथमिकता है कि पूरे हमारे सूबे के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास हम इस चीज़ों को रखेंगे, ऐसी बदहाली को रखेंगे कि वहाँ जल्द पुल बने। यहाँ उपायुक्त महोदय को भी रखेंगे, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमने इन चीज़ों को लिखित रूप से कई एक बार प्रशासन को दिया है, विधायकों को दिया है, लेकिन चीज़ें आज भी वैसे ही हैं, तो यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।